अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। नाजला, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नई रेसिपी, नयाब रेसिपी। आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। इधर लाओ, देखो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये साग गाँव का सूखा हुआ। तो इसको मैं अभी उबालने लगी हूँ। जब ये उबल जाएगा उसके बाद मैं बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमी देखना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। हाँ, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। पानी चाहिए हमें, इसको उबाल के फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी। बैठो यहाँ पर, बगान को यहाँ में बैठा दूंगी। जबियान बैठ गया। ये देखें, ये है, ये सरसों का साग मिक्स सब्जी है, कश्मीर की सूखी हुई है। इसको क्या करते हैं, जब ये हरी होती है इसको तोड़ के रख देते हैं तो सुखाने के लिए धूप में। ये सूखी हुई है, ये देखें, ये इस तरह से कुछ। अभी इसको मैं उबाइल करूँगी, उबाइल करके उसके बाद मैं बनाऊँगी। बिल्कुल सादे तरीके से इसको बनाऊँगी और इतना मज़ेदार बनता है ये। तो ये मैंने इसके लिए पानी चढ़ा दिया। जब ये गर्म हो जाएगा थोड़ा सा इसमें मैं सब्जी डालूँगी, वही डालूँगी, ये उबलेगा। ओ बाय 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 जवियान को देखो, ये इसको साथ मैंने किचन में बिठाया हुआ, ये रो रहा था। तो पानी ये उबल गया, थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। तो अभी इसको मैं ये जो साग है ना, ये वाला, ये साग डालूंगी। अच्छी तरह से इसको मैंने साफ किया हुआ है, तो इसको डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये मैंने साग इसमें थोड़ा सा डाला, अभी और डालने लगी हूँ। ये तो दिखा मैं ना, ये इस तरह से हाथ की मदद से इसको मैं डाल रही हूँ। ये देखें, जब ये उबल जाएगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये पक के बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल ये अभी सूखा हुआ फूला हुआ लगता है, जब ये पक जाएगा बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा ये इस तरह से। अभी इसको मैं चम्मच की मदद से ही आस्ता आस्ता ऐसे कर रही हूँ। ये इस तरह से, ये अब इसके ऊपर ढक्कन लेके रख दूंगी मैं। तो अभी ये ढक्कन दे दिया मैंने, ये उबले अच्छी तरह तो इसका पानी निथार लेंगे, तो सब्जी हम लोग अलग कर देंगे। तो जब तक वो उबल रहा है तो ये प्याज और लहसुन, ये लहसुन भी कश्मीर के, ये लहसुन मैं छीलूंगी और ये प्याज काटूंगी। अभी मैं इनको तैयार कर रही हूँ। क्या हुआ जवियान? जवियान को कुछ चाहिए, बर्तन मांग रहे हैं। ये मेरा कैमरा मैन किचन में बैठा हुआ है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। तो ये लहसुन मैं छील रही हूँ, छील के इसमें कूटूंगी, ये इसकी मदद से कूट के फिर से साग बनाऊंगी, सूखा हुआ साग बनाऊंगी। ये हमारे कश्मीर में खाते हैं, ये साग बहुत ही मज़ेदार होता, बहुत ही टेस्टी। ये मैं पूछ रही हूँ, ये हम लोग लहसुन छील रहे हैं, मैं और ये मेरे बेटे भी साथ में बैठे हुए। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? ये देखो शमीर को देखो, प्याज काट रहा है। शमीर क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? आपने भी उसको बताओ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप तो हमारी वीडियो देखते हैं, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, उन लोगों का शेयर भी करना। तो हमारी वीडियो को लाइक लाजमी सब्सक्राइब करना, प्लीज लाजमी सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। फातिमा की बात सुनो। ये देखो जवियान को दिखा, जवियान क्या कर रहा है? जवियान देखिए, जवियान क्या कर रहे हो? दिखा, इसके पास ले गया जवियान। ये देखो प्याज खा रहा है, ये खाने की चीज है क्या?
गाइस हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये देख शमीर को देखो, शमीर को उल्टा उल्टा कूट रहे, इससे कूट इस तरफ से, इस तरह से तुम उल्टे की कर रहे हो। मेरे बच्चे भी मेरे साथ खाना बनाने में लग गए हुए हैं, मैं डालूंगी। ओके, ये 5 मिनट हो गए, अभी इसको मैं देख रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से ये उबल रहा है, ये देखें बिल्कुल उबल के ना ये सही हो जाएगा, बिल्कुल ये सब्जी पक जाएगी, बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे हरी सब्जी बन रही है। ये देखें, ये अभी इसको 10 मिनट और उबलने देते हैं, सही उबल जाए फिर इसको मैं निकालूंगी। और ये इधर मैंने प्याज काट लिया, और इधर मैंने इधर लहसुन भी हम लोगों ने छील के कूट दिया, और ये प्याज काट के रखा है। अभी मसाले मिक्स करेंगे बाद में। ये तो ये हमारा साग उबल चुका है, तो ये देखिए हमारा साग उबल चुका है। अब ये इसका पानी में निथारने लगी हूँ, इसमें निथार लूंगी। ये थाली मैंने बेसन में रख दी है, ये तो पानी अभी मैं निकाल रही हूँ। तो अभी ये साग में इसका उबाल हुआ चुका ना, पानी निकाल रही हूँ। तो ये मैंने पानी इसका निथार लिया, ये देखें, ये अभी इसको इधर मैं रख रही हूँ यहाँ पर। तो ऊपर वो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर देखा चाहिए, वो ये रहा, इसमें भी तड़का लगाऊंगी अच्छी तरह। तो ये देखें, ये मैंने ये चीज रेडी करके रखी है। अभी मैं प्याज डालने लगी हूँ ऊपर, ये सब्जी का पानी मैंने निकाल लिया है। ये देखें इस तरह से, अभी इसको छुरी की मदद से मैं काटूंगी थोड़ा थोड़ा। तो इधर मैंने ये प्याज काट के रखा था, अभी मैं तड़का लगा रही हूँ, प्याज लूंगी। ये प्याज मैंने ब्राउन आने के लिए रख दिया, उसके बाद ये डालूंगी अदरक। अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन है, और ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 लाल मिर्च, और नमक सबसे ज़रूरी है, और टमाटर और आलू, ये चीज़ें डालूंगी। और ये साथ में ये साग बनाऊंगी, ये वाला साग देखें कितना सही तरह से पक चुका है। ये देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है, माशाल्लाह से खेल रहा है। क्या हुआ मिट्टू को? ये देखो आ जाओ। नो 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 नो, ये देखो इसको। ये अभी मैं लहसुन डालने लगी हूँ। ये कवाली सुन रहा है क्या?
रव्यान जिक्र करते हैं, रव्यान हेलो क्या हो रहा है, कहीं अंदर कहना है, दूसरा शर्मा हार है। ये दाल आलू मम्मा जी, ये दाल ये आपके ऊपर से चमचम आ रही है मम्मा जी। हमारी कश्मीर का साग सूखा हुआ बना रही है, और आलू दाल वो सूप बना दिया, अब ये आलू बना रही है, आलू डाल दिए, पाँच मिनट के लिए बाद में आलू डालेंगे। ये मम्मा जी साथ अभी निकाल मम्मा जी गोल गोल कर दी इनको, ऐसे बनाऊंगी इसको, ये देखो इस तरह बना के इसको काट दूंगी, इस तरह मम्मा जी बना के इनके का इनको काट देंगी। आप बता ना मेरी आवाज नहीं आ रही, ये देखो मम्मा ने ये देखो मम्मा कैसे बना रही है, इसका पानी मम्मा जी ने निकाल दिया है, और मम्मा जी अब साग खत्म हो गया, मम्मा जी थाली हाथ धो लिए, अब छुरी की मदद से मम्मा जी काटेंगी। ये देखिए सही नरम भी हो गया, मम्मा जी ने काट दिए। आपने कभी ये गांव में खाया? खाए। किसने बना के दिया? नाना मम्मा ने, उनकी मकई में लगा हुआ ना। नहीं मक्खी का नहीं, जंगल वाला वो उनका तो मक्खी का। जी हो गया, अब मम्मा जी क्या करेंगी, हाथ की मदद से अब मम्मा जी डालेंगी पतीले में, मम्मा जी पतीले का ढक्कन उठा रही है। तो अभी ये मैं इसमें डालने लगी जी, मम्मा जी अभी ये इसमें डालने लगी है, आप आलू है, आपने ये कभी देखा नहीं होगा, ये हमारी जमीन में होता है, हमारी कश्मीर में होता है, जमीनों के अंदर अपने चाची के साथ। नहीं साथ में देंगे, रखती थी लस्सी। ये देखो अब इसको 5 मिनट के लिए रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी आप लोगों को। तब तब मम्मा जी बर्तन धो रही है, बाद में आपको दिखाएंगे, बाद में सब्जी आपको दिखाएंगे 5 मिनट के बाद। जी चाची के साथ बेबी गाने सुन रहा है।
साथ चिपकी बैठा हुआ गाइस, और नीचे बेबी ने डॉल लिया हुआ गाइस। हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने के लिए। वीवेस मम्मा जी ने बर्तन धो लिए हैं, आप वो अब वो सब्जी दिखा रही है मम्मा जी। अब हम आपको सब्जी दिखाते हैं। अब मम्मा जी ऊपर से चमचे मार रही है, चम्मच चला रही है, चम्मच की मदद से पक जाएंगे। थोड़ी देर के लिए और रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। गाइस ये देखिए अब मम्मा जी सब्जी बन चुकी है, चूल्हा बंद कर देते हैं। अब चूल्हा बंद कर दिया मम्मा जी। गाइस अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। पीछे करो गाइस, ये देखें ये इस तरह से कुछ बन गया, ये साग, ये देखें बिल्कुल हरी सब्जी बनी हुई है। साग जो था सरसों का वो बन गया। तो हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जिसने खाना आज आज ही खाए यहाँ से रोक दिया कर।